जहाँ एजुकेशन बिजनेस बन चुका है, वहीं कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ वाकई में शिक्षा सही तरह से दी जाती है। हम कुछ तस्वीरें वहाँ की दिखाने जा रहे हैं, जहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति का जज्बा लेकर स्कूल जाते हैं। एजुकेशन के साथ देशभक्ति भी वहाँ प्राप्त की जा रही है। एक ऐसे स्कूल जहाँ पर हमारे रिपोर्टर अब्दुल्लाह खान खुद जाकर छोटे छोटे बच्चों से बात की, बच्चों के चेहरे पर देश के प्रति एक लहर नजर आएगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां एजुकेशन व्यापार की तरीके से बाजार में बिक रहा है, वहीं एजुकेशन के बारे में बात करते हुए हमारे रिपोर्टर अब्दुल्लाह खान ने सवाल किया कुछ बच्चों से और स्कूल प्रिंसिपल से, फिर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। लगते हैं ये आप भी देख सकते हैं, पढ़ाई के क्रम पे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? सत्यम। सत्यम, और ये बताइए कि आप क्या लिख रहे हैं? वाओ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। ये बताइए कि आपका नाम क्या है, फिर से बताइए, हमने सुना नहीं था। सत्यम कुमार। सत्यम कुमार, आप क्या बनना चाहते हो बेटा पढ़ लिख के? डॉक्टर। अभी तो आप बहुत छोटे हो, डॉक्टर बनने के लिए तो अभी टाइम लग जाएगा, तो अभी से आपको किसने बताया कि आपको डॉक्टर बनना है? आपको किसी ने बताया? कौन, मम्मी पापा, कि आपको डॉक्टर बनना है? आप इसीलिए पढ़ाई कर रहे हो? चलो बहुत अच्छी बात है, यानी बच्चे के अंदर भी एक शौक है, परिवार के अंदर भी, कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बने और देश की सेवा, जनता की सेवा करे, मुफ्त में इलाज करे, और नहीं भी मुफ्त में इलाज करे तो टाइम पे उनका इलाज हो सके। ये है, क्योंकि भारत में तो ऐसा नहीं है कि अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि मुफ्त में कोई इलाज हो। यहाँ तक लगा कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में भी आप जाते हैं तो वहां पे मुफ्त का इलाज नहीं होता है, आपको बाहर से लिख देता है। आइए एक आध बच्चों से और बात करते हैं इसके अंदर, छोटे बच्चों से सबसे, कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई में क्या है, वो पढ़ाई किस तरीके से करते हैं। तुम्हारा नाम क्या बेटा? अंशु। अंशु, आप, आपका गांव किधर है, घर किधर है? अमरावती। वाह, आप क्या पढ़ती हैं? आपको क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में? हिंदी, इंग्लिश, क्या सभी कुछ? हाँ। सभी कुछ पढ़ाया जाता है। आप पढ़ाई के टाइम पे मस्ती ज्यादा करती हैं कि पढ़ती हैं? पढ़ती। अब बच्चे हैं तो मस्ती तो करेंगे ही। आइए और कुछ दूसरे बच्चों से भी हम बात करते हैं कि उन बच्चों, क्या नाम है आपका? माय नेम इज कशा खान। कशा खान, किस क्लास में है आप? क्लास 10। अच्छा, ये बताइए कि पढ़ाई आपकी किस तरीके से हो रही है स्कूल में? अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही है, क्या पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर क्यों बनोगी आखिर? मैं डॉक्टर बन के जो गरीब लोग हैं उनकी मुफ्त में इलाज करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, जैसे कि अभी आपने देखा है कि यानी डॉक्टर बनने चाहती है बच्ची, कितनी अच्छी सोच है हमारे समाज के लिए। ये नसीहत उन डॉक्टरों को भी लेना चाहिए जो इस वक्त पैसे के नाम पे और गरीब बेसहाय लोग जो भी हैं रोड पे, फुटपाथों पे, यानी स्ट्रेचर के लिए, वैक्सीन के लिए, वगैरह वगैरह चीजों के लिए मर रहे हैं, वो डॉक्टर जो है नजरअंदाज कर देते हैं। ये बच्ची की सोच कितनी अच्छी है कि मैं यानी जनता की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए डॉक्टर। कॉन्सेप्ट बना लिया है कि हम एक चीज खरीदेंगे तो दूसरी चीज हमको फ्री मिलेगी, लेकिन ये चीज उल्टा है, वो फ्री में नहीं दे रहा है, उसके साथ जो चीज वो दे रहा है आपको फ्री में, वो उसी के प्राइस में ऐड करके उसको फ्री में दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, हम सोलर व्यवस्था हमारे यहाँ है बड़ी वाली, जितने घंटे स्कूल चलता है लाइट की व्यवस्था है, और हमने एक रुपया चार्ज नहीं करना है, ना लाइट के लिए, ना कंप्यूटर फीस के लिए। जो भी हमारा मंथली क्लास फीस लगता है 300 350 क्लास वाइज जो है 400, इसी के थ्रू हम लोग चलते हैं और कुछ अपने पास से मेंटेन करते हैं, कुछ क्या नाम है कि स्कूल से मेंटेन हो जाता है। लेकिन हाँ, हमारे अंदर ये चीजें हैं कि क्षेत्र में कई लोग हैं जो अमीर है, कई लोग हैं जो गरीब है, तो हमारे अंदर पैसे कमाने की इच्छा नहीं है, हमारे अंदर ये है कि जो गरीब है, अमीर है, सबके लड़के पढ़ ले। इसके थ्रू हमने अपना स्कूल को चालू किया और मालिक के कर्म से और इलाके वालों के दुआ से अभी फिलहाल हम लोग 3 साल से है मार्केट में, 3 साल से ठीक चल रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा, जैसे कि आपने देखा कि यानी ये बिजनेस के लिए नहीं, इन्होंने जो अपने स्कूल को चालू किया है ये बच्चों को शिक्षा के लिए है, केवल शिक्षा के लिए, ना तो पैसे के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं। मैं एक चीज और इनसे पूछूंगा, फीस कितनी है सर जी? हमारे यहाँ क्लास वाइज फीसेस हैं, हमारे यहाँ हर साल फीस बढ़ाने की कोई परंपरा नहीं है,
हमारे यहाँ शुरू से जो चले हुए आ रहा है उसपे महंगाई के हिसाब से हम कुछ इंक्रीजमेंट करते हैं। जैसे कि हम हमारे यहाँ अभी फिलहाल में नर्सरी से यूकेजी तक जो फीसें हैं 300 है और क्लास वन से ऊपर तक की जो है फीसें 350 और उसके ऊपर गोवान जो भी क्लासेस है 6, 7, 8 जो भी है वहाँ पे 400 है। इसके अलावा हम 1 रुपए, इसका मतलब देखा जाए सर तो ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है कि बाकी के स्कूलों में काफी चार्जेस लिया जाता है, यानी 700, 800, 900, 1100 रुपया मंथली चार्जेस है बच्चों की फीस। मैं वन क्लास की बात कर रहा हूँ, इतना यानी रेट है। और आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, यानी इस हिसाब से कि इन्होंने जो भी कहा है वो 100% एकदम सत्य कहा है, इसलिए क्योंकि अगर ये व्यापार होता तो इनका भी जो है इस तरीके से होता। ये इस तरीके से गलत बयान नहीं देते हैं क्योंकि इस वक्त पूरी देश देख रही है, देश की पूरी जनता देख रही है, इनकी बातों को भी सुन रही है। तो ये व्यापार से दूर है और यहाँ पे शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा। मैं अब्दुल्ला खान, देवरिया, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश। जय हिंद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।